हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक और इंक्वायरी रिसीव हुई है जो कमेंट करा है इकबाल राजी जी ने, जिनका क्वेश्चन है कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। सो थैंक यू सो मच इकबाल जी क्वेश्चन पूछने के लिए। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इकबाल जी, के जो प्रॉफिट मार्जिन जो डिपेंड होता है वो टोटली आपके प्रोडक्ट और कंट्री वाइज होता है। आप जिस किसी भी कंट्रीज के अंदर जैसा डिमांड चल रहा है वो आप फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिफाइन होता है। फिर भी मैं आपकी कंसिडरेशन के लिए बताना चाहूँगा, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 3% से लेकर 15% के बीच में होता है। अगर आपका रोटेशन साइकिल है, वो एक ही बायर है जिसको आप साइकिल मतलब कंटेनर हर महीने आप कंटेनर रोटेट कर रहे हैं, सो यू विल अर्न अ हैंडसम प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। मैं यूं नहीं कर रहा हूं कि प्रॉफिट ही होगा, बट आपको उसका ट्रेंड समझना पड़ेगा कि वहां का ट्रेंड कैसा है, चाहे फिर वो हैंडीक्राफ्ट आइटम हो चाहे फिर वो लेदर की आइटम हो। तो आप कोई भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो उसका पहले आप ट्रेंड समझिए, वहां का रिक्वायरमेंट क्या है, वहां की डिमांड क्या है, वो आपको सबसे पहले जाननी रहेगी। अगर उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करना पड़े तो वो आप करिए सर। एनालिसिस के अंदर आप मान लीजिए कि लास्ट 4 साल के अंदर उसका कितना एक्सपोर्ट हुआ है, इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ है। तीसरी चीज उसके अंदर या मैं बोलूंगा कि हुआ है तो कितनी मात्रा में हुआ है, नॉर्मली तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां का मार्केट कैसा है। इट्स समथिंग लाइक स्टॉक मार्केट, वो फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब कि हाँ वहाँ पे डिमांड एकदम से बढ़ गई फिर एकदम से कम हो गई, क्यों मे बी पॉसिबल, आपको उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। तो वो आप डिटेल में स्टडी करेंगे, देयर आफ्टर यू विल गेट द पॉइंट कि मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना सेट करना है। सो इकबाल जी, एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो वो उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, वैसे ही सेम वहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी बहुत R&D करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये एक्स वाई जेड चीज़ कोई भी प्रोडक्ट मुझे एक्स वाई जेड कंट्री से मंगवानी है तो वो कौन से प्राइस में आती है, बिकॉज सर वो ट्रांजेक्शन टाइम जो है कितने दिन में वहाँ पे पहुँचेगा, आप ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, आप फैसिलिटी क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी इनको टर्म्स क्या है, वो सब डिपेंड करता है सर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन सेट होता है। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे हमारे पास बोल सकते हैं कि CHA होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, जो आपको कॉस्टिंग निकाल के देते हैं कि मान लीजिए लाइक अहमदाबाद से आपको मुंद्रा पोर्ट तक पहुँचाने का है, तो कोई आपको CHA या फ्रेट फॉरवर्डर चार्जेस बोलेगा, ओके कहाँ से पहुँचाने का, मेरी फैक्ट्री से लेकर मुंद्रा पोर्ट तक का कंटेनर तक पहुँचाना है, सो वो आपको बोलेंगे भाई 20,000। आप दूसरे CHA से पूछिए वो आपको बोलेंगे 18,000। आप तीसरे CHA से पूछिए वो आपको बोलेंगे 25,000। तो भाई इतना डिफरेंस क्यों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्यों। अगर आपने 25,000 वाला भी वही सेम पैकेज दे रहा है जो आपको 18,000 वाला दे रहा है तो 7,000 तो आपका वहीं पे सेव हो गया, समझ रहे हो। तो वो आपको समझना पड़ेगा, ये एक चीज मैटर करती है कि हर एक चीज जो है वो पोटेंशियल हमारा प्रॉफिट मार्जिन उसी में जुड़ा हुआ रहता है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो जैसे आप R&D कर रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है, सबसे पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो टारगेट कंट्री के अंदर कितने रुपए में इंपोर्ट हो रहा है। अगर आपको वो पता चल गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो आई होप मैंने जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से ऐड करना है तो उसका आई होप मैंने सॉल्यूशन दिया है। आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछिए, और पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। थैंक यू सो मच।